तो हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल माई हेल्प सूम में तो बच्चों यहां पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो फाइनली यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बच्चों यहाँ पर एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है अब कौन से कोर्सेज़ का एडमिट कार्ड जारी किया है सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है कि किन कोर्सेज़ का आखिर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड जारी किया है और साथ ही बैक पेपर की क्या अपडेट है आपको इस वीडियो में बताऊंगा बच्चों साथ ही जो कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं उनके भी क्वेश्चन का यहाँ पर मैं आंसर आपको सभी को बताऊंगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है तो फाइनली स्टूडेंट आपको मैं एक एक करके बता देता हूँ कि अभी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो एडमिट कार्ड है वो जारी किया है तो फाइनली किन कोर्सेज़ का एडमिट कार्ड लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी किया तो आपको मैं बता दूं कि यूजी के फिफ्थ सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर जारी कर दिया है तो यूजी के जो भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं काफ़ी सारा कमेंट करके पूछ रहे थे तो फाइनली उनका जो एडमिट कार्ड है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है तो अब आप बात कर लेते हैं यहाँ पर जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बैक पेपर स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमारी कोई नोटिस नहीं आ रही देखिए बच्चों मैंने अभी एल यूनिवर्सिटी से यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से लगातार संपर्क किया है हैल्पलाइन नंबर पे भी कॉल किया है लेकिन वहाँ से मुझे कोई भी इंफॉमेसन नहीं मिल पा रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है जैसे ही कोई अपडेट आती है वेबसाइट पर अपडेट आती है तो आपको मैं तुरंत बता दूँगा कि जो भी बैक पेपर के स्टूडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के उनकी कोई डेट सीट अभी तक नहीं आई है जैसे ही यूनिवर्सिटी पर अपलोड होती है कोई भी नोटिस आती है आप, तु, आपको तुरंत वीडियो बना के बताऊँगा और वीडियो नहीं बना पाऊँगा तो आप मुझे टेलीग्राम पर जुड़े रहें वहाँ सर वहाँ पर मैं कोई भी अपडेट होता है तो वहाँ पर मैं डाल देता हूँ तो इसीलिए बोलता हूँ कि टेलीग्राम से जुड़े रहें इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम की अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर के बारे में तो कानपुर यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं आप लोगों को पता होगा कानपुर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो स्टूडेंटों का कहना है कि क्या सेमेस्टर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारे जो वार्षिक एग्ज़ाम होंगे तो ये बिल्कुल सही है अगर सेमेस्टर एग्ज़ाम यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं तो सभी के वार्षिक एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे अब बात आती है कि यहाँ पर सेमेस्टर एग्ज़ाम कब तक चलेंगे तो फाइनली वो पंद्रह मार्च तक से यहाँ पर सेमेस्टर एग्ज़ाम चलेंगे पंद्रह मार्च के बाद यहाँ पर आप सभी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो वार्षिक एग्जाम यहां पर होने वाले पंद्रह मार्च के बाद यानी कि मार्च में टाइम टेबल आ जाएगा लास्ट तक उसके बाद अप्रैल में आप सभी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे तो फाइनली आज के इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बाकी टेलीग्राम से जुड़े रहें कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले वहीं पर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय